जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से मिज़बानी दीक्षित को जो भी तनख्वाह हम दे रहे हैं उसे डबल कर दीजिए। आई लव यू। तुम देखना आज की शाम बहुत स्पेशल शाम है। ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। बस पुष्कर, हमें अपनी हदों को पार नहीं करना चाहिए। I love you, Pia। तुम्हें देखकर ऐसा लगा जिसके साथ जिंदगी जीना चाहता हूं वो तुम हो। ये बात तुम कितनी और लड़कियों को कह चुके हो। उन लड़कियों की कंपैरिजन तुम्हारे साथ नहीं है, तुम उनकी कैटेगरी में नहीं आती हो। तुम अलग हो, वेरी स्पेशल। तुम बानी की बहन हो और जितना रिगार्ड मेरे दिल में बानी के लिए है उतना ही प्यार तुम्हारे लिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। बहुत स्मार्ट हो तुम। तुम जानते हो कि एक लड़की को क्या चाहिए। I love you, Pia। अब चले। मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी। याद है तुमने अपने होटल में मेरी कितनी इंसल्ट की थी, कितना अपमान किया था मेरा। अपमान तो उनका होता है
जिनका कोई सम्मान हो, जो लड़की पैसों के लिए कोई भी हद तक जा सकती है, उससे सम्मान की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। और उस दिन मैंने तुम्हारा अपमान नहीं, अपनी होटल का सम्मान बचाया था, अपना फर्ज और अपनी ड्यूटी पूरी की थी। वाह, क्या बात है। शरीफ माँ बाप, शरीफ खानदान, अच्छी परवरिश। अपने माँ बाप का प्यार क्या नसीब हो गया तुम्हें, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी। अपने आदर्शों पे इतना नाज है तुम्हें, तो जो परवरिश तुम्हें मिली है, तो एक बार अपनी उस परवरिश से अलग होकर दो कदम तो चल के दिखा। अपने परिवार का साथ और मिस्टर वालिया की छांव से निकलकर जिंदगी जी कर तो दिखाओ। अपनी डिग्निटी, अपने सम्मान का अच्छी तरह पता चल जाएगा तुम्हें। जिस पेशे के अपमान ने तुम्हें इतना तिल मिला दिया है, वो गलत है। भगवान ने हम सबको सही और गलत में फर्क करने के लिए दिमाग दिया है, मेहनत करने के लिए हाथ दिए हैं, सही राह पर चलने के लिए दो पांव दिए हैं। अपनी जिंदगी का, अपनी मेहनत और अपने दिमाग को जीने का जरिया बनाओ, अपने जिस्म को नहीं। जिंदगी में सब कुछ अगर इतनी आसानी से मिल जाए, तो दूसरों को शिक्षा देने में बड़ा मजा आता है। अपना घर छोटा तो मिस्टर वालिया का घर मिल गया। उनके रहमो करम पर एक मामूली सी वेट्रेस से होटल की जीएम बन गई। सोचने की बात ये है कि आखिर जय वालिया की उम्र का आदमी तुम पर इतना मेहरबान क्यों है। एक बात अच्छी तरह सोचकर बताओ, अगर मिस्टर वालिया की छत्र छाया अचानक तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाए, तब तुम्हारा क्या हश्र होगा मेजबानी दीक्षित? क्या पता तुम्हें भी मेरी तरह। बस यही बताने आई हूँ तुम्हें। जिंदगी में समझौते हम दोनों ने किए हैं, तुमने अपने तरीके से, मैंने अपने तरीके से। हम दोनों के बीच कुछ ज्यादा फर्क नहीं है मिस बानी दीक्षित। पैसे कमाने के लिए मुझे खरीदार ढूंढने पड़ते हैं, और मिस्टर वालिया ने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खरीद लिया है। जरूर कुछ मांगने आई हो, घर, जॉब, प्रमोशन। मांगने की भी एक हद होती है, जानना चाहती हो आज क्या मांगने आई हो। सर, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू एट दिस टाइम, पर आपसे ये बात करनी जरूरी थी। सर, हम आपका आउट हाउस छोड़कर किसी और घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? जी नहीं सर, हम तीन लड़कियां इस अनजान शहर में एक मददगार की खोज में आई थी। ना तो हम आपके परिवार के हैं और ना ही आप हमें जानते थे, पर फिर भी आपने हमें रहने की जगह दी और मुझे इतनी अच्छी नौकरी दी। सर, आपका यही एहसान हमारे लिए काफी है। लेकिन सर, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके एहसानों पर नहीं बिताना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहनों की जिंदगी और उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद उठाऊं अपनी सैलरी से। मुझे गलत मत समझना सर, पर आपका ये एहसान जिंदगी भर की बैसाखी नहीं बन सकता। कभी ना कभी तो हम तीनों बहनों को खुद चलना सीखना ही होगा। देखो बानी, अगर तुमने घर बदलने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। थैंक यू सर।
आपको कुछ दिखाना है सर? क्या तुम ये नहीं जानते कि ये हमारी पूजा का समय है? बस थोड़ा सा वक्त लगेगा सर, आपके मतलब की चीज दिखाने लाया हूं। हमारे स्वीट के सिक्योरिटी कैमरा पे ये पिया और पुष्कर की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। वाकई काबिले तारीफ काम किया है तुमने। कल हमारे घर में शिव जी की पूजा है। इस वीडियो में से केवल वही हिस्से जो हमारे काम के हैं, एडिट करके कल मुझे सीडी पर चाहिए। सीडी आज शाम तक आपके पास पहुंच जाएगी सर। ये वीडियो किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसे सीडी पर लेकर वीडियो डिस्ट्रॉय कर देना। ऐसा ही होगा सर। पानी दीक्षित, वालिया ग्रुप ऑफ होटल्स की सबसे एफिशिएंट एम्प्लॉई। अब तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों में। मैंने कहा ना, ये पेंटिंग वहां नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। अच्छा, तुम क्या हिटलर की बहन हो कि तुमने कह दिया तो नहीं लगेगी? मैं लगा के दिखाऊंगी। नहीं लगेगी। लगेगी पिया। नो नो ओफ, अब ये पेंटिंग के लिए झगड़ा बंद करो। जाओ इसे अंदर रख दो, हम लोग जल्दी ये घर छोड़ने वाले हैं। दी? हाँ पिया, ये घर हमारा नहीं है, मिस्टर वालिया का है। उन्होंने हमें यहाँ रहने की जगह बहुत मजबूरी में दी थी। उनकी मजबूरी का फायदा हम कब तक उठाएंगे? दी, पर हम यहाँ मुफ्त में नहीं रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं हम इस घर का मिस्टर वालिया को। क्या किराया देने से उनका एहसान खत्म नहीं हो जाता? लेकिन पिया, अगर दीद ने कुछ सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। तुम ना हमेशा दी की साइड लोगी। हाँ लूंगी, वो तुम्हारी तरह नहीं सोचती है। दी की चमची। पिया शट अप। उफ़ो, अब अपना ये झगड़ा बंद करो। मैं आज ही कुछ एस्टेट एजेंट से मिलकर एक नया घर ढूंढती हूँ। और तुम दोनों को तैयार नहीं होना है, तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेने जाना है ना। दी, लेकिन डिपॉजिट का पैसा कहाँ से आएगा? ये जिम्मेदारी मेरी है पिया। शायद मामा को हमारी आने वाली मुसीबत का पहले से पता था। मामा ने हमारे लिए जो पैसे बचा कर रखे थे, हमारी इस मुसीबत में वही पैसे काम आएंगे। अगर मामा यहाँ होती तो वो भी यही फैसला लेती। मुझे कार्डियो सेक्शन सेपरेट चाहिए, एरोबिक्स और योगा के लिए सेपरेट रूम चाहिए, एंड आई एम श्योर ये जगह हम लोग सोना ऑन स्टीम के लिए यूज कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट दिस प्लेस, यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग हो सकता है? आप रेनोवेशन करवा रहे हैं? मेरा पर्सनल जिम बन रहा है यहाँ। कहीं तुमने घर छोड़ने का फैसला बदल तो नहीं दिया ना पानी? यहाँ पे जिम का काम जल्दी शुरू होने वाला है, इसलिए जल्दी से अपना सामान पैक करो और जगह खाली कर दो। Oh,
आपके पास जितने पैसे हैं उसी में एडजस्ट करवा दूंगा। आप घर जाके अपना सामान पैक कर लो और कल से तो आप रहने भी आ सकती हैं। थैंक यू। पता नहीं रानू और पिया को ये घर अच्छा लगेगा या नहीं। हर जगह इतना डिपॉजिट, यहाँ रहने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मैं आई कम इन सर। या सर, मैंने एक घर ढूंढ लिया है और डील फाइनल हो गई है। हम जल्दी घर बदल देंगे। कहाँ लिया है घर? एरिया, लोकेलिटी, पास पड़ोस सब देख लिया? सब डिपॉजिट के हिसाब से घर फाइनलाइज हुआ है। एरिया पॉश तो नहीं है, बट इट्स ओके। कम उदमी, क्या जानती हो तुम इस एरिया के बारे में? बानी, ये गवर्नमेंट लैंड है। बिल्डर्स ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर यहाँ बिल्डिंग बनाई। कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तुम जानती हो इस वक्त कितने गैर कानूनी काम हो रहे हैं? जो एस्टेट एजेंट्स इस एरिया में ऑफिस बनाकर बैठते हैं, कल कानूनी तरीके से सब अपने पैसे बनाने के पीछे लगे हुए हैं और कुछ नहीं। कितनी मुश्किल से हमें ये घर मिला था और मम्मी की सारी सेविंग्स मैंने उस एस्टेट एजेंट को दे दी हैं। बानी, चिंता मत करो, तुम्हारे दिए हुए पैसे तुम्हें वापस दिलवा दूंगा। और तुम्हें आउट हाउस में नहीं रहना है ना? मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऑप्शन है। टोनी, मुझे हर चीज ठीक ठाक चाहिए। जैसा मैंने बताया है वैसे हर चीज ट्रेडिशनल होनी चाहिए। कर्टन से लेकर पेंटिंग्स तक एवरीथिंग ट्रेडिशनल। उजागर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे सारा काम वक्त से पहले खत्म हो जाना चाहिए। यू गेट इट? कम ऑन। बड़ी तैयारी मेरी चल रही है आज से। यहाँ पर कुछ है? ओए जिज्ञासा, सवेरे सवेरे पंटन के तैयार हो गए? हाँ, करवा चौथ की पिक्चर चलने वाली है क्या? करवा चौथ? माई फुट कमजोर हो गई आपकी याददाश्त। मैंने आज तक आपके बेटे के लिए कभी भी करवा चौथ वगैरह का व्रत नहीं रखा है। नहीं रखा। जय भैया के मेहमान आ रहे हैं, उनका ट्रेडिशनल वेलकम करो, इसलिए गेस्ट रूम की भी सफाई हो रही है। वैसे भी मुझे आपकी इस ट्रेडिशन में परंपरा आपकी इस परंपराओं में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। नाउ कैन आई वर्क? मैं जाऊं? ओके बाय। ये खास मेहमान कौन से आने वाले? जय भैया, आप तो मेहमानों को लेने के लिए गए थे, कहाँ हैं आपके मेहमान? इस घर में आज तुम्हारे पहले दिन पर तुम्हारे पैरों तले जमीन न खींची तो मेरा नाम भी रणधीर नहीं।
चाहिए।